क्रिकेट जिसे खेलने की चाह हर एक यूथ का सपना होता है, करोड़ों में से कुछ ही होते हैं जिन्हें अपने देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, और उस खिलाड़ी को भी गर्व होता है कि वो अपने देश के लिए खेल रहा है। ऐसे में खिलाड़ी जिसने अपने खेल से सबको इतना प्रभावित किया था कि सब उसके नाम से देश को पहचानने लगे थे, लेकिन क्रिकेट में मिले इस प्यार और शोहरत को ये खिलाड़ी संभाल नहीं सका और कर दिए एक ऐसी गलती जिससे उसे शर्मसार होना पड़ा है। आपको बता दे, ये खिलाड़ी कोई और नहीं, नेपाल के स्टार गेंदबाज संदीप लमिछाने हैं, जिनके नाम एक ऐसा दाग लगा जिसको मिटाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। संदीप लमिछाने के ऊपर रेप का आरोप लगा था, अब उसी मामले में संदीप को सजा हुई है। संदीप लमिछाने को आज जिला न्यायालय ने बलात्कार के आरोप में 8 साल की सजा और 3 लाख नेपाली रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें क्रिकेटर को 2 लाख रुपए पीड़ित महिला को मुआवजे के रूप में देने होंगे। जिला कोर्ट ने फैसला 15 महीने बाद सुनाया। रेप पीड़िता महिला ने दिग्गज गेंदबाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जब जांच शुरू हुई तो लमिछाने कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने के लिए वेस्टइंडीज में थे। उन्हें 6 अक्टूबर 2022 को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 4 नवंबर 2022 को काठमांडू जिला कोर्ट ने संदीप लमिछाने को सेंट्रल जेल भेजने का निर्देश दिया था। लमिछाने ने इस निर्देश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन लमिछाने को अब 8 साल की सजा हो गई है। अगर संदीप लमिछाने के क्रिकेट करियर की बात करें तो संदीप का अच्छा खासा नाम है और दुनिया भर की T20 लीग में भी संदीप ने अपना जोहर दिखाया है। IPL में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेला है। संदीप लमिछाने ने नेपाल के लिए 51 वनडे और 52 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर अपनी टीम के लिए कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन इस घटना के बाद शायद ही लमिछाने के क्रिकेट करियर का लंबा भविष्य होने वाला है।